Hello guys, welcome to my channel The Gamer Within. And finally Fortnite season 5 has been released and I've reached level 12. I've practiced for 2 days and I've reached level 12, so it is too good. I have to say that maza aa gaya yaar ye game khel ke, Fortnite Mobile. And mujhe ye Fortnite PC se zyada easy laga, and it is on the same platform. Up right side mein friend link ke niche dekh sakte hain Fortnite EU विल विथ सेम प्लेटफॉर्म प्ले अगेंस्ट सेम प्लेटफॉर्म. इसका मतलब ये है कि मेरे अगेंस्ट जो लोग आएंगे वो सारे मोबाइल वाले ही होंगे, कोई भी पी सी या पी एस वाला नहीं होगा. तो इवन तो मैंने दो चार दिन खेला है, मैं इतना भी नहीं सीखा हूँ. ठीक है, ओके ओके आता है, बट मैं कभी आज तक एक गेम नहीं जीता हूँ इसमें. सो इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट some tips and tricks how to begin playing Fortnite, and I'll show you my HUD layout tool. So there's the first thing you have to know is there are two modes. One is combat mode and one is build mode. So in combat mode, you can see on the left side there is my move stick. So ये जो है ये move stick है, इसको इसको आप अगर up and down ये सब करेंगे movement के लिए है आपके. ये जो दो हैं ये मेरे fire buttons हैं. एंड यस, मैं थ्री फिंगर कंट्रोल यूज़ करता हूँ, सो ईजी होता है मूव एंड फायर करने के लिए. सेम थिंग मैं पी यू बी जी में करता हूँ. ऑटो रन बटन, क्राउच राइट साइड में क्राउच बटन है, जंप बटन है, ये वाला जो बटन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस बटन इज़ यूज टू स्विच बिटवीन कॉम्बैट मोड एंड बिल्ड मोड. दिस इज़ योर एम बटन, दिस इज़ द बटन जहाँ से आपको स्टेयर्स बैरिकेड वॉल्स ये सब बनाने काम आता है. एंड बिल्ड मोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ तीन चीज़ें नहीं हैं कि ये जो है ऊपर हाईलाइट किया मैंने राइट टॉप पे, दिस इज़ द रिसोर्सेज बटन कि आपके पास कितना वुड है, कितना स्टोन है, कितना स्टील है. ये दो जो बटन है ये आपको अपने जो भी आपने बिल्ड किया वॉल उसको एडिट करने के लिए है. मैं फ़िलहाल ये बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज इतना भी अच्छा नहीं खेला हूँ मैं, और धीरे धीरे टाइम लगेगा सीखने में ये. तीसरी चीज़ जो नई ऐड हुई है फोर्टनाइट में वो ये है फायर मोड. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड. जो टैप एनीवेयर एंड डेडिकेटेड बटन है ये पुराने हैं, एंड ऑटो फायर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सीजन 5. सो डेडिकेटेड बटन मीन्स आपको एक बटन दिया जाएगा, उसको आप कहीं भी प्लेस कर दीजिए, एंड अगर आप वहाँ टैप करेंगे तो फायर होगा. टैप एनीवेयर में कोई बटन नहीं, आप स्क्रीन पर कहीं भी टैप करेंगे तो फायर होगा. ऑटो फायर में आप एनिमी की तरफ एम करेंगे, वेपन फायर्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू एम एट एन एनिमी. सो आप जब एनिमी की तरफ एम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फायर होगा. इट इज़ रिकमेंडेड बट स्टिल आई प्रिफर डेडिकेटेड बटन बिकॉज आई वॉन्ट टू शूट व्हेन आई वॉन्ट टू शूट. ओके, सो अब मैं अपना अब एक काम करूँगा इसमें, जैसे कि सोलो है, डुओ है, स्क्वाड है, 50 vs 50 है, तो मैं सोलो एंड 50 vs 50 का गेम प्ले आपको दिखाऊँगा खेल के. सो लेट्स बिगिन विथ माई सोलो गेम प्ले. एंड प्लीज़ कीप इन नोट दैट मैं इतना अच्छा नहीं खेलता हूँ, अभी अभी सीखा है मैंने. सो विनिंग इज़ लाइक अ मिरेकल टू मी, और बट प्रैक्टिस तो करता रहूँगा मैं. मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो कंसिडर शेयरिंग माई वीडियो विद अदर्स. एंड ये मेरा कंट्रोल ले आउट था, वेरी सून मैं अपना हैंड कैम कर लूँगा जिससे आपको और ईजी पड़ेगा देख कि मैं कैसे खेलता हूँ ये जानने में. सबसे इम्पोर्टेंट है आप ऐसी स्पॉट चूज करिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो. तो जहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा ना हो इसके लिए मैं चूज़ करूँगा ये जगह, एंड यहाँ जाके अच्छे से लूट करूँगा. यहाँ पे एक दो बंदे आ सकते हैं नो डाउट, बट नंबर वन थिंग इज दैट यू हैव टू चूज अ स्पॉट विच इज़ नॉट वेरी क्राउडेड सो दैट यू कैन बिल्ड यू कैन कलेक्ट रिसोर्सेज एंड वेपन्स. नंबर टू थिंग इज आप तब तक जब ये गेम स्टार्ट होता है तब यू शुड ओनली फोकस ऑन लूटिंग एंड डिफेंडिंग योर सेल्फ. आप मारो लोगों को अगर सामने आ रहे हैं तो, बट कलेक्ट रिसोर्सेज मोर एंड मोर बिकॉज बाद में बनाने के काम आएगा. आप जब अपना डिफेंस बनाएंगे तो
काम आएगा आपके रिसोर्सेस। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन बगल में ही लेजी लिंक्स में कोई उतरा है, ये ऊपर एक बंदा जा रहा है। ये एमो बॉक्सेस है, एमो अनलिमिटेड आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके ये रहा चेस्ट, तो मुझको कॉमन एसॉल्ट राइफल मिल चुकी है। ग्रे कलर जो होता है वो डिनोट करता है कि आपकी गन कॉमन है। ये शील्ड पोर्शन है, आप दो पी सकते हैं एक बार में, 50 से ज़्यादा शील्ड लिमिट नहीं है मिनी के लिए, लेकिन अगर आप दूसरा वाला पियेंगे तो जो बड़ा वाला शील्ड पोर्शन है तो फिर आपको 100 हो जाएगा शील्ड। ओके ये बढ़िया गन है। पंप शॉटगन मिल चुकी है मुझे, टैक्टिकल शॉटगन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वेपन्स इन द गेम। यहाँ पे ऊपर एक चेस्ट है, आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज मार्क आ रहा है। ओके तो वो एक हाफ था, यही कह रहा हूँ, इसको आप अगर ले लें तो आपका हेल्थ फुल हो जाएगा, तो शील्ड लिमिट भी फुल हो जाएगी आपकी एंड हेल्थ तो पहले से फुल है। तो मैं स्टॉर्म आ चुका है तो मैं प्रेफर करूँगा जोन में जाना, सेफ जोन में जाके थोड़ी लूट पान करूँगा। राइट टॉप पे आप देख सकते हैं मेरे रिसोर्सेज काफ़ी कम है, 85, 38 and 0, तो इट इज़ बेटर अगर मैं 200 200 तो रख लूँ।
और एक और चीज़ बहुत नेसेसरी है, आप हिलते रहिए कभी भी। ये गेम जो है ये पीयूबीजी जैसा नहीं है कि आप कहीं पे एक जगह कैंप कर रहे हैं, आप हिलते रहिए एंड आप हिलते रहेंगे तो आपके ऊपर एम करना मुश्किल हो जाएगा एनिमीज का। तो ओनली 22 पीपल आर रिमेनिंग एंड मुझे अब तक कोई नहीं मिला है। लगता है मेरा मरना, सिर्फ मरना लिखा है इस गेम में। मैंने बहुत ज़्यादा फॉल डैमेज गेन कर लिया है। फर्स्ट किल था ये। ओके यहाँ एक बंदा है।
यूट्यूब प्लेयर, यूट्यूब स्ट्रीमर है ये, और इसने मुझे अपने ट्रैप से मारा है, अनबिलीवेबल। सो देखा मैंने कहा मैं अच्छे लोगों के सामने नहीं टिक पाता हूँ, मेरा एम भी इतना खास नहीं है फिलहाल। सो दिस वॉज द सोलो गेम प्ले, एंड अब मैं एक 50 vs 50 खेलूंगा। विद दिस आई विल रैप अप माई वीडियो, एंड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम आई डी विल बी इन द लिंक, विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फिफ्टी वर्सेज 50 में ये मैप है जो हाफ में डिवाइड हुआ है, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में। आपको ओके यहाँ पे वॉइस चैट ऑफ कर देता हूँ मैं। यो सो 50 प्लेयर्स ये साइड, 50 प्लेयर्स वो साइड लैंड अप होंगे, एंड जैसे मैं रेड टीम है तो नहीं रेड बस होगी तो फिर मैं डस्टी डिवर्ट या फिर एक काम करता हूँ सॉल्टी स्प्रिंग्स करता हूँ, एंड ऑब्वियसली लास्ट टीम स्टैंडिंग विल विन। नो मेरी ब्लू बस है, ओके ये सारे मेरे टीममेट्स हैं। 50 vs 50 में जो लूट होती है वो बहुत अच्छी होती है, सो कोई टेंशन नहीं है अगर आपको लूट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी।
Well guys, I hope you enjoyed this video, and I would like to tell you that in 50 versus 50 it is not necessary to take many kills. It is much more necessary that you give your best, you don't die, you don't cause any trouble to your mates, and that's the reason I won this game. I took one kill, but that one kill matters a lot. If I would have been the one who would have been dead, the consequences might have differed. So make sure you give a thumbs up and subscribe to my channel, and also share this video among your friends. Stay tuned for more Fortnite videos and PUBG tricks and tips. I'm working on some tricks and tips video on PUBG and also on Fortnite, so stick to my channel and have a nice day.